ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का या पूरी डेरिवेटिव का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हमेशा हमेशा इसमें इस चैप्टर से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ इसकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कुछ कंसेप्ट को आपको डिस्कस करते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स है, कैसे कैसे हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहला आपकी टॉपिक आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए हर एक कर्व का सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है, कंसेप्ट नंबर वन, सबसे पहली कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर वन। कंसेप्ट नंबर वन में क्या है, किसी भी कर्व का एक टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। वो टर्निंग पॉइंट अगर मान लिया जाए पीक पे हो और बॉटम पे हो, ऐसे बॉटम ऊपर हो या नीचे हो, उसके बेसिस पे मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका एक कर्व है, यहां पे मैंने देखा एक कर्व हो गया, तो इस कर्व को हम ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला पॉइंट जिस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये वाला पॉइंट जो होता है कोई पॉइंट सी पे, कोई पॉइंट सी पे, ये आपको मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। टर्निंग पॉइंट के जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता हो उस टर्निंग पॉइंट के टेंजेंट वाले को मैक्सिमा कहा जाता है। तो यहाँ जो पीक होता है उसको क्या कहते हैं, हम मैक्सिमा कहते हैं। अब एक दूसरी पॉइंट को ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए ऐसा कोई कर्व है ऐसा, और इस कर्व पे कोई बटन की पॉइंट पे एकदम लोएस्ट पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता हो, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, मिनिमा कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मिनिमा कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट आपके क्या आ जाएगा, एक पॉइंट सी और जीरो आ जाता है, दैट पॉइंट इज अ मैक्सिमा और मिनिमा। जो टर्निंग पॉइंट का पीक पॉइंट को क्या कहा जाता है, अगर सबसे ऊपर वाली पॉइंट को क्या कहा जाता है, मैक्सिमा कहा जाता है, सबसे नीचे वाली पॉइंट को क्या कहा जाता है, मिनिमा कहा जाता है। अब कंसेप्ट नंबर टू देखिएगा, हमारे पास कंसेप्ट नंबर टू आ गया। कंसेप्ट नंबर टू में हम क्या देखते हैं, हमारे पास किसी भी कर्व का बहुत सारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, किसी भी कर्व का बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो यहां जो सबसे बड़ा होता है, सबसे पीक वाला पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा वाला पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ये वाला जो पॉइंट जो सबसे आपको लोएस्ट पॉइंट का जो तो होता है, ये वाला को पॉइंट को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट मिनिमा कहा जाता है, एब्सोल्यूट मिनिमा। जो सबसे लोएस्ट बटन पे हो उसको एब्सोल्यूट मिनिमा कहा जाता है। अब देख सुनिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता, अगर इस पॉइंट के लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट के राइट में कोई पॉइंट ले लीजिए, तो लेफ्ट और राइट के बीच में यहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं, सबसे बड़ा पीक पॉइंट नहीं है, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में पॉइंट को ले लीजिए, इसके कंपेयर में ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है ये लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा। और ऐसे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, इसके राइट में और इसके लेफ्ट के कंपेयर में जो पॉइंट लेके, और इसको क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा कहेंगे, इसको लोकल मिनिमा, मिनिमा।
माँ कहेंगे इस वाले पॉइंट के ये वाला और इसके कंपेयर में इसको क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा कहेंगे, लोकल मैक्सिमा कहेंगे। मैक्सिमा मींस कहने का मतलब क्या है, किसी भी कर्व में बहुत सारा पीक पॉइंट हो सकता है, बहुत सारा बटन पॉइंट हो सकता है, जो पीक पॉइंट के जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा जाता है। हर एक पीक के राइट और लेफ्ट के कंपेयर में जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। हर एक बटन के जो राइट और लेफ्ट के कंपेयर में जो सबसे बड़ा छोटा होता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, लोकल मिनिमा कहा जाता है। दिस इज अ कंसेप्ट, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया आपको, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब आपका कंसेप्ट नंबर थ्री आ जाता है हमारे पास। इसकी सारी की डिफिनेशन मैं लिखा दिखाऊंगा आपको, स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको स्टडी मटेरियल में पढ़ाऊंगा। अब कंसेप्ट नंबर थ्री में क्या पढ़नी है उसको देखिएगा, उसको देखिए। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है प्लीज आप समझिए। सपोज करो कि ये वाला हमारे पास कोई ग्राफ को मैं कंपेयर करता हूँ, इस ग्राफ में हम आपको एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट जो हो गया ये आपको लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट सी और कॉमा जीरो पे लोकल मैक्सिमा हो गया, क्योंकि एक ही पीक है और इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की कंपेयर में करेंगे तो सबसे एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आप बताइएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ये बात आपको जानना है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। अब बात को सुनिए, दूसरी बात, दूसरी बात है, यहाँ पे कहेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी आपका पीक पॉइंट होगा या बटन होगा स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है भाई, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस टेन थीटा होता है, और स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, टेन थीटा एक्स एक्सिस का क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए जीरो होता है। तो या तो मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट मैक्सिमा इट इज अ जीरो, डी वाई बाई डी एक्स एट मैक्सिमा इट इज अ जीरो, ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अब सोचिए, इसके मैंने एक इधर वाला पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये जो टेंजेंट्स है, और फिर एक इधर वाला पॉइंट ले लिया, या पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करके हम देखते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया दैट इज द डी वन। अब ये वाला टेंजेंट को मैंने नाम रख दिया टी वन और इस टेंजेंट का नाम रख दिया टी टू, टी टू नाम रख दिया। अब चलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टी टू मैं क्या कहूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टी टू दैट इक्वल टू एम वन टेन थीटा वन कर देंगे, टेन थीटा वन, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस का जो टेंजेंट का एंगल बनता है पॉजिटिव, वही टेन का क्या होता है, स्लोप होता है। अब सुनिएगा, ये थीटा वन इज लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एम वन
आपको स्लोप जो भी होगा वो एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, एंगल के बेसिस पता चलेगा, लेकिन ये तो श्योर है कि लेस देन 90 डिग्री है तो वो पॉजिटिव होगा ही, वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो मैंने कहा कि स्लोप ऑफ टी टू इज अ पॉजिटिव, हम इतना ही जानते हैं स्लोप ऑफ टी टू इज अ पॉजिटिव। अब दूसरा देखिए, आपको यहां पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं हम, मान लो ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन आपको एक टेंजेंट ड्रॉ आएगा तो इस तरह से आएगा। इस टेंजेंट का जो आपका यहाँ पे θ2 आ जाएगा, और इसकी टेंजेंट का नाम हम क्या देते हैं, t2। अगर मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, t2 को हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा टू लिखेंगे, टेन थीटा टू लिखेंगे। अब आप देखिए, टेन थीटा टू, थीटा टू जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, पाई बाई टू से ग्रेटर है। पाई बाई टू से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ये कौन सी क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। पाई बाई टू से ज्यादा का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका स्लोप क्या होता है, टेन थीटा टू, टेन की वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमें मान क्लियर हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब लॉजिक समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम पीक पॉइंट से जिस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है, इस पॉइंट से लेफ्ट का हम एक साइन लेते हैं, लेफ्ट का एक कोई पॉइंट लेते हैं, लेफ्ट का कोई पॉइंट लेते हैं, और फिर इसके राइट का भी कोई पॉइंट लेते हैं, इसके राइट का भी कोई पॉइंट लेते हैं, और लेफ्ट पे राइट पे हम डीवाई बाई डी एक्स चेक करते हैं। डीवाई बाई डी एक्स का मतलब साइन ऑफ टेंजेंट से करते हैं। अगर मान लिया जाए नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट वाले में क्या हुआ है, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो गया है, राइट वाले में क्या होगा कि टेंजेंट की स्लोप क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव हो गया है। अच्छा, जब आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पॉइंट लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कहेंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे मैं लिखाता हूँ, स्टेप वन में क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का स्टेप वन हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप स्टेप वन में देखिएगा, स्टेप वन में आपको क्या करनी है, स्टेप वन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेक, ये डी वाई बाई डी एक्स। स्टेप सेकेंड, फॉर मैक्सिमम मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स आपको कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स आपको कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप थ्री में क्या करेंगे, स्टेप थ्री में देखिएगा। अब स्टेप थ्री में चेक साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स टेकिंग वन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फाइंड वैल्यू सी सी जीरो, वन पॉइंट एक्स एक्सिस लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी एंड अदर पॉइंट
एक्स एक्सिस राइट ऑफ सी। मैंने क्या कहा, इसको लॉजिक को समझिए, इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट सी है, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे, जो सी माइनस एच कुछ ना कुछ तो घटेगा ही। एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां पे, जो क्या होगा सी प्लस एच कमा जीरो। अब हमें इस पे डीवाई बाई डीएक्स की साइन देखनी है, इस पे डीवाई बाई डीएक्स की साइन देखनी है। ये कहने का मतलब ये होता है, सी तो यहां पे एक लेफ्ट में लेनी है, एक राइट में लेनी है। आपको देखिए, तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा तब मैक्सिमम हो जाएगा, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव स्टेप थ्री स्टेप फोर, व्हेन साइन ऑफ एफ डैश एक्स दैट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव, इट इज सेड टू बी मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी। अब देखिए, आप नेक्स्ट स्टेप में बाद में आपको लिखाऊंगा, पहले ग्राफ में आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कौन सा, स्टेप फोर हो गया। अब ये स्टेप आपका फिफ्थ देखेंगे हम, फिफ्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप देखने का पहले हम एक ग्राफ आपको बताते हैं, उस ग्राफ को पहले स्टडी करते हैं, उस ग्राफ के बाद हम आपको बताएंगे। ये आपका जो कंसेप्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एग्जैक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जैसा है, एग्जैक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जैसा है। अगर कोई ग्राफ में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कोई पॉइंट, कोई कर्व ऐसे ड्रॉ किया जाता है, और भी बहुत तरीके से कर्व ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको समझ। ये पॉइंट सी जो होता है ये मिनिमम होता है, ये सी एक पॉइंट है जो मिनिमम है, और यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा ये टी वन, ये जो होगा ये डी वाई बाई डी एक्स के पैरेलल होगा, और यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो इस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया। अब इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लीजिए और इसके राइट में कोई पॉइंट ले लीजिए, और इस दोनों पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आपको उसकी स्लोप देख लीजिए क्या है। अब आपको मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट का, ये वाला पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक ऐसे आएगा। लेफ्ट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक ऐसे आएगा, ऐसे। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी आपका उतना अच्छा नहीं है, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां पे तो कैसे जाएगा आप बताइए, ऐसे जाएगा। यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कैसे जाएगा, आपको ऐसे जाएगा। ये सपोज कीजिए टी टू है, ये सपोज कर लीजिए टी थ्री है, तो इसकी स्लोप जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो ये टी टू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टी टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट टी टू इक्वल टू टेन थीटा टू हो जाएगा, और थीटा टू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा टू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री दैट इक्वल टू पाई बाई टू, हेंस डी वाई बाई डी एक्स दैट इक्वल टू
टेन थीटा टू ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, अब दूसरी स्लोप को हम लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया जाए स्लोप ऑफ टेंजेंट टी थ्री, स्लोप ऑफ टेंजेंट टी थ्री, तो इसको क्या कहते हैं, टेन थीटा, यहां पे थीटा थ्री कर दीजिए, टेन थीटा थ्री, थीटा थ्री लेस देन 90 डिग्री, दैट इक्वल टू पाई बाई टू, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा थ्री इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हमने लेफ्ट में लिया तो dy बाई डी एक्स आपकी कितना आ रही है पॉइंट्स पे, पॉजिटिव आ रही है। जब हमने राइट में लिया तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इस पॉइंट को आपको समझना है कि ये वाला पॉइंट अगर सी ले लीजिए और एक पॉइंट यहां पे ले लीजिए जो सी माइनस एच कॉमा जीरो है, और एक पॉइंट यहां पे ले लीजिए जो सी प्लस एच थोड़ा सा राइट में और पॉजिटिव में लीजिएगा, यहाँ का साइन यदि नेगेटिव हो रहा है, ये वाला नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टेंस टू पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी कहा जाएगा, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी कहा जाएगा। बात समझ आ गया बेटा? तो यही हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन द फंक देन इट इज सेट टू बी लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पे, एक्स इक्वल टू सी पे वो लोकल मिनिमम हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू सी पे लोकल मिनिमम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो दिस इज द वे, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मान लो कि कोई पॉइंट्स हम नंबर लाइन में हम ड्रॉ करेंगे, सी के प्लेस पे 5 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो इंटरवल हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे छोटा तो 4 पे साइन चेंज करेंगे, इससे बड़ा हम 6 पे साइन चेंज करेंगे। अगर मान लिया जाए पहले आपको यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे आपकी नेगेटिव आ गई, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वाला केस हो जाएगा आपका पहली वाली केस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैक्सिमा कहेंगे इस केस में, मैक्सिमा एट सी एक्स इक्वल टू सी, और नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी। ये वाला दो पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा, ये वाला पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अदर पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अदर थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा।
चलिए बाकी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।